आज मैं आपको इंडिया के बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगी। एम्स के बाद अगर कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी आता है तो वो है पीजीआई चंडीगढ़। पीजीआई चंडीगढ़ को एनआरएफ ने सेकंड रैंकिंग दी है इन 2023। इस यूनिवर्सिटी में 50 प्लस मेडिकल पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कोर्सेज है एट यूजी पीजी सुपर स्पेशलिटी एंड पीएचडी लेवल। ये यूनिवर्सिटी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज, इलेक्टिव एंड फेलोशिप कोर्सेज भी ऑफर करती है। पीजीआई चंडीगढ़ में बोथ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट को ऐसे डिजाइन किया गया है इन विच स्टूडेंट्स 4 से 5 घंटे क्लिनिकल वर्क ऑन द डेली बेसिस पे करते हैं विद अकेडमिक कोर्स। तो इस इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा, क्या नीट के थ्रू इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जो कि ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ पे फीस कितनी होगी, हॉस्टल फैसिलिटीज है या नहीं, इन सभी के बारे में जानने के लिए चलिए देखते हैं। PGIMER पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की शुरुआत 1962 में हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 जुलाई 1963 को हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, जिसे अब नेहरू हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट ओरिजिनली गवर्नमेंट ऑफ अनडिवाइडेड पंजाब के अंडर था। आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, इस इंस्टीट्यूट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पास ऑन कर दिया टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ इन 1966। उसके बाद ये इंस्टीट्यूट एक ऑटोनोमस बॉडी बन गई। पीजीआई चंडीगढ़ के कोर्सेज की बात करते हैं, यहाँ पे नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज कराए जाते हैं। नर्सिंग में यहाँ पे 3 कोर्सेज है, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी बीएससी नर्सिंग एंड एमएससी नर्सिंग। तो बीएससी नर्सिंग के लिए सिर्फ फीमेल एडमिशन ले सकती हैं एंड पोस्ट बीएससी बीएससी नर्सिंग कोएड है तो यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पीजीआई के पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे टोटल 12 कोर्सेज आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये 11 कोर्सेज ही थे पहले। इस बार जो बीपीएच कोर्स है, जिसका सेपरेट एग्जाम होता था, उसको भी इस बार इंक्लूड कर दिया गया है पैरामेडिकल कोर्सेज में ही। तो अब आपको टोटल 12 कोर्सेज देखने को मिल रहा है, जिसमें बीपीएच फिजियोथेरेपी, बीएमआरआईटी या बीएमएलटी, ऑप्टोमेट्री, बीपीएच और भी बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। सो क्या है इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन, उसके बारे में बात करते हैं। तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपका 12 पीसीबी स्ट्रीम से हो, मिनिमम 50% हो। पोस्ट बीसी बीएससी नर्सिंग के लिए जीएनएम कोर्स हो, उसमें भी आपके मिनिमम 50% हो। पैरामेडिकल कोर्स में मोस्टली कोर्सेज के लिए पीसीएम वाले एलिजिबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे बीपीटी, बीएमएलटी, बीएमआरआईटी एंड बीएससी आपका परफ्यूजनिस्ट में, इनमें अप्लाई करने के लिए पीसीबी स्ट्रीम मस्ट है। बाकी जितने भी कोर्सेज है पैरामेडिकल में, उन सभी के लिए पीसीएम वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे फीस कितनी लगती है। सो बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बीएससी बीएससी नर्सिंग के लिए अप्रॉक्सीमेटली 4000 पर ईयर फीस लगती है, जिसके साथ आपको 5000 का एडिशनल अमाउंट पे करना होगा, जो कि आपकी कॉशन मनी या फिर सिक्योरिटी मनी होती है। ये आपको बाद में रिफंड हो जाता है अगर आप यूनिवर्सिटी का कुछ भी नुकसान नहीं करते हो। तो इतनी फीस है नर्सिंग में। एंड दूसरी तरफ हम पैरामेडिकल की बात करते हैं, सारे पैरामेडिकल कोर्स की फीस यहाँ पे दी गई है। रजिस्ट्रेशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, लेबोरेटरी फ़ी, ये सारी चीज़ें हैं। एग्जामिनेशन फ़ी आपकी 1000 रुपीज़ होगी, हर सेमेस्टर आपको 1000 पे करना होगा। हॉस्टल फैसिलिटीज़ एंड फीस की बात करते हैं। सो पीजीआई चंडीगढ़ में हॉस्टल की फैसिलिटीज़ है, लेकिन ये सारे कोर्सेज के लिए नहीं है। नर्सिंग में आप बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी बीएससी नर्सिंग करते हैं, आपको हॉस्टल इजीली मिल जाता है। सो बाकी जो पैरामेडिकल कोर्सेज है, उन सभी के लिए यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटीज़ नहीं है। तो फीस की बात करते हैं, यहाँ पे आपको 1500 वन टाइम पे करना होता है, 2000 एडमिशन के टाइम पे करना होता है। इसके बाद आपको रेंट फ़ी एंड इलेक्ट्रिसिटी फ़ी अलग से पे करना होगा, जिसकी चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं पीजीआई चंडीगढ़ में एडमिशन कैसे मिलेगा। सो पीजीआई चंडीगढ़ का खुद का एंट्रेंस होता है डिफरेंट कोर्सेज के लिए, डिफरेंट एग्जाम से। यहाँ पे नीट एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब ये है, अगर आप नर्सिंग कोर्स करना चाहते तो उसके लिए पीजीआई चंडीगढ़ का खुद का जो एंट्रेंस होता है नर्सिंग के लिए, वो आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते तो उसका सेपरेट एंट्रेंस होता है, वो आपको देना होगा। तो नीट के थ्रू आप ना ही तो नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ना ही पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। सो पीजीआई चंडीगढ़ बीएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बीएससी बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है या फिर एग्जाम पैटर्न है, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इस पर एक सेपरेट डिटेल वीडियो है। मैं चाहूँगी कि आप उस वीडियो को ही रेफर करो, कि उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, बाकी पोस्ट बीएससी बीएससी नर्सिंग के लिए
ये आप देख सकते हैं, जो कि जेएनएम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन सभी का जो एग्जाम होता है वो वन शेप में होता है, 1.5 घंटे का पेपर होगा इंग्लिश मीडियम में, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नर्सिंग एंट्रेंस में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, बाकी पैरामेडिकल कोर्स में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बीएससी नर्सिंग के लिए 10+2 लेवल का सिलेबस होता है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा इजी होता है, बायोलॉजी थोड़ा टफ होता है। दूसरी तरफ पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड मैथ्स, ये चारों सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब्जेक्ट से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आपको इनमें डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी एग्जाम सेंटर्स की बात करें तो नर्सिंग के लिए टोटल 14 सिटीज़ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन सभी सिटीज़ में आपका सेंटर जा सकता है। एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पे जाके एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं तो इसकी जो एप्लीकेशन है अप्रैल के बाद आ जाती है, एग्जामिनेशन आपका अगस्त के मंथ में होता है। सो पिछले साल तो यही हुआ था, अगर थोड़ा जल्दी होना भी होगा तो जुलाई के मंथ में भी आपका एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को भी चेक कीजिए, ये भी आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंटी।